नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी वहां के दौरे पर गई थी। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बंगाल चुनाव बाद हुई हिंसा का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि यूपी में चुनाव के बाद कहीं अशांति नहीं हुई, जबकि बंगाल के मुकाबले यहां की आबादी दोगुनी है। वहीं योगी के इस बयान के बाद बंगाल में सियासी रार देखने को मिल रही है। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक सुवेंदु अधिकारी ने इसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा किया। दूसरी ओर सत्तारूढ़ टीएमसी के नेता और मंत्री फिरहाद हकीम ने योगी पर हमला बोलते हुए उन्हें यूपी का गब्बर सिंह बताया है। टीएमसी नेता हकीम ने कहा कि योगी आदित्यनाथ नहीं जानते कि बंगाल ने शांति की राह दिखाई है। योगी यूपी के गब्बर सिंह हैं। वहां के लोग ठीक से बात तक नहीं कर पाते, जबकि बंगाल में दीदी को विकास के लिए लोगों ने वोट दिया। आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव में सपा के समर्थन के लिए बंगाल से एक दीदी आई थी, वहां क्या हालत थी, चुनाव बाद वहां हिंसा की 12,000 घटनाएं हुई थी, 294 विधानसभा सीटों में से 142 पर हिंसा की घटनाएं हुई थी। यही नहीं, 25,000 बूथ प्रभावित हुए थे। बीजेपी के 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता अपने घरों को छोड़कर शेल्टर होम में जाने को मजबूर हुए। 57 की हत्या हुई, 123 से अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म और अमानवीय व्यवहार हुआ, 7,000 शिकायतें दर्ज हुई। उन्होंने दावा किया कि यूपी चुनाव के बाद कहीं अशांति नहीं हुई, जबकि बंगाल के मुकाबले यहां की आबादी दोगुनी है। चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए वेस्ट बंगाल से भी एक दीदी आई थी, और क्या स्थिति थी बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद, जो टोटल इंसिडेंट हुए थे वहां पर पोस्ट पोल वायलेंस, 12,000 घटनाएं घटित हुई थी। दो सौ चौरानवे विधानसभा सीटों में से 142 पर हिंसा की घटनाएं हुई थी, हिंसा घटनाएं घटित हुई थी। वेस्ट बंगाल की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी की आधी आबादी है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी कोई हिंसा नहीं हुई। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का एक उदाहरण है। सिर्फ एक ही स्टेट है, एक ही राज्य है जहाँ पे वोट करने नहीं देते हैं, जहाँ पे वोट में बोलते वोट करने नहीं देंगे, और वोट के बाद 2021 वोट के बाद 156 डेथ हुआ, डेथ मतलब मर्डर, वह हैंगिंग कर देते हैं। ममता बनर्जी इसके लिए बोलते हैं जो करने करो, हम लोग पीछे हैं। तो ममता बनर्जी सबसे बड़ी बात है, एक नोटंकी करते हैं पूरा देश में, जो फेडरल स्ट्रक्चर, बट वो पूरा बंगाल को जला दिया, बंगाल का सत्यानाश कर दिया। तो इसलिए योगी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो पूरा उत्तर प्रदेश में और पूरा भारत में जो मैसेज गया ममता बनर्जी नौटंकी, आज पूरा भारत पहचान रहा है जो ममता बनर्जी एक संतरासवादी है। ममता बनर्जी एक तृणमूल कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस एक मर्डरर पार्टी है। योगी आदित्यनाथ गॉट री इलेक्टेड इन यूपी, but being chief minister and in the solemn house, the temple of democracy, that is Vidhan Sabha, he should not have taken the name of West Bengal, another state where a legitimate government of Mamata Banerjee is running. He should have that much of respect for the democracy. And one thing we know, that at least in West Bengal we don't have to bulldoze the minority community. We don't have to think about in West Bengal about the protection of women. The National Crime Record Bureau says that UP is the state where women folk are the most unsafe. Yogi Adityanath should
look after about these matters instead of taking name of West Bengal and thinking about West Bengal. West Bengal is in good hand. He should think about his own state, that why women folk are not safe in his state, why he has to use recklessly the bulldozer, why his name would be Bulldozer Baba. और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। पीयूष पंत जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, सुमित मेहरोत्रा जी टीएमसी के नेता हैं और प्रदीप भटनागर जी भारतीय जनता पार्टी के नेता, तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सुमित जी शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं, ममता बनर्जी को लेकर विधानसभा में जो भी बातें कही गई थी, अब बंगाल की जो सरकार है वो उस पर भड़कती हुई नजर आ रही है, आपको ऐसा क्यों लगता है सर कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के गब्बर सिंह है? देखिए पल्लवी जी, कहीं ना कहीं आज हम लोगों को देखना पड़ेगा, जिस तरह एक इनका योगी जी का एक स्टैंड कर रहे हैं काम तानाशाह वाला, गब्बर सिंह इसलिए कहा जाता है। आज आप देखिए कि हर तरफ ये केवल एक बुलडोजर कह करके, जिन्होंने इस तरीके से बुलडोजर को आगे करके के गरीबों के ऊपर जो चलाए जा रहे हैं वो उस तरीके से गलत है। आज आप किसी के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं क्या, उसके ऊपर लीगली जांच कर रहे हैं क्या, उसे नोटिस दे रहे हैं, ये चीज भी हम लोगों को देखनी पड़ेगी। ये बुलडोजर जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से ही वहां प्रसिद्ध है और इसको उत्तर प्रदेश की जनता काफी सराहती है और बुलडोजर बाबा के नाम पर ही उनको वोट मिल गए। मतलब ये तो कहने वाली बात है, आप इस चीज को मानिए कि इस चीज में कहीं ना कहीं शोषण भी हो रहा है जनता का, जनता दब रही है। केवल एक बुलडोजर, कहीं पे भी ये दिखाते हैं सब बुलडोजर चला देंगे, कहीं कोई इनके सामने कोई बोलने खड़ा होता तो इस कहते हैं बुलडोजर चला देंगे, कौन सी बात होती है? आप सही काम करिए ना, जनता ने आपको दोबारा चुना है, जनता के हित के काम करिए आप, ना कि बुलडोजर चला करके कोई काम होगा ना कोई विकास होगा। आप जहाँ तोड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ आप बुलडोजर चला रहे हैं उसके ऊपर हम मांग करते हैं हॉस्पिटल बनाएं, अच्छे स्कूल बनाएं, आप बनाइए नहीं बनाते हैं। आप नुकसान तो सरकार का ही कर रहे हैं, नुकसान सरकार का ही है और जनता के पैसों से चलती है। चलिए पीयूष पंत जी, अगर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव बाद बंगाल में हिंसा हुई है तो ये आंकड़ा झूठा नहीं है, ये आंकड़ा उतना ही सच है, और उसके बाद भी ममता सरकार इस बात से इनकार कर देती है कि किसी तरीके की वहां पर हिंसा नहीं हुई और उत्तर प्रदेश में हालात ज्यादा खराब है। कोई दो राय नहीं कि बंगाल में जो है चुनाव के पहले भी काफी हिंसा हुई और चुनाव के बाद भी काफी हिंसा हुई है, और उसके लिए दोनों ही, देखिए चाहे वो टीएमसी हो और चाहे बीजेपी हो, और दोनों ही उसके लिए जिम्मेदार रहे हैं, क्योंकि एक को सत्ता में दोबारा आना था, दूसरे को सत्ता में जो है पहली बार आना था वहां पे, तो ये कश्मकश जो थी तो उसमें पूरा का पूरा जो है हिंसक तरीके अपनाए गए, हिंसक तरीके भी अपनाए गए, और जो सत्ता में दल रहता है उसके पास ज्यादा प्रशासन उसके कंट्रोल में रहता है, वो ज्यादा प्रभावी ढंग से इन चीजों को कर पाता है। तो निश्चित रूप से बंगाल में ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश भी जो है इनसे छूटा रहा हो। आप देखिए उत्तर प्रदेश में अगर हिंसा नहीं हुई चुनावी, तो उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे बहुत हुए हैं। हालांकि योगी जी इस बात को कहते रहे हैं कि हमारे यहाँ दंगे नहीं हुए हैं, लेकिन ये नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो है उसके आंकड़े हैं कि लगातार जो है 2017 से जो है उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे बढ़ते चले गए हैं। तो अपने अपने राज्य को बेहतर दिखाने के ये जो एक होड़ चल रही है उसमें दूसरे राज्यों को जो है कि दिखाना कि आपके यहाँ ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। बंगाल में भी है निश्चित रूप से हिंसा है, उसका तांडव हमने देखा लगातार। उत्तर प्रदेश भी जो है सांप्रदायिक हिंसा की आप बात कर रहे हैं सर, उत्तर प्रदेश में अगर हालिया घटनाक्रमों को छोड़ दिया जाए तो इन 5-6 सालों में कितने ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा वहां पर हुई है या दो समुदाय आमने सामने हो गए? ये तो ट्रेंड चल पड़ा इन दिनों कि आपका अगर त्योहार होगा तो हम हुड़दंग मचाएंगे, उनका त्योहार होगा तो कोई और हुड़दंग मचाएगा। इस बीच में योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल रहा, पहला वाला जो कार्यकाल रहा, उसमें तो कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा देखने को मिला नहीं, आपकी जानकारी में कोई है तो बताइए। नहीं देखिए, बड़ा दंगा कब होता है? जब सत्ता में आने की कोशिश होती है, तब। मुजफ्फरनगर में हमने देखा था जब हुआ था 2011 में, जो है कि क्योंकि भाजपा को सत्ता में आना था, केंद्र में आना था, राज्य में आना था, तो वो है छुटपुट दंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ये रिपोर्ट है, जिसमें 2016 में जो है छुटपुट जो भी सांप्रदायिक दंगे हुए उत्तर प्रदेश में 2016 में, जहाँ 8016 ऐसे दंगे हुए
2017 में 8,900 हुए, 2018 में 8,908 हुए हैं, और ये 2019-20 के दौरान 7.2% बढ़ोतरी हुई है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र समेत 5 चोटी के राज्यों में शामिल हो गया जहां सांप्रदायिक दंगों की बहुत आयत में दंगे हुए वहां पे। 2020 आप देखिए, 2020 में कमी आई इन सांप्रदायिक दंगों में, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था और उसमें जो है कि उसकी वजह से कुछ ना कुछ कहीं कहीं प्रभावित हुआ है। इसी तरह मानव अधिकारों का उल्लंघन उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा हुआ है, ये मानव अधिकार की रिपोर्ट बता रही है आपकी, क्योंकि लगातार सीए उसके तमाम आंदोलन हुए थे उसके तहत जो है कि तो उत्तर प्रदेश दूसरे मानकों में जो है वो कहीं ना कहीं हिंसा का प्रदर्शन करता रहा है। पुलिस के मामलों में एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर हुए हैं बहुत। एक आप देखिए, मार्च 2017 से अगस्त 2021 के बीच यूपी पुलिस द्वारा 146 लोगों का फर्जी एनकाउंटर किया गया, ये आंकड़े जो है क्राइम को आए हैं। उसके बाद आपसे हम कानून व्यवस्था के बारे में अगर बात कर रहे हैं सर, तो बंगाल के आंकड़े भी हम आपसे चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के आंकड़े आपने बताए, बंगाल के आंकड़े भी बताइएगा कि चुनाव पहले और चुनाव बाद वहां पर कितनी हिंसाएं हुई, आगजनी की कितनी घटनाएं हुई, तोड़फोड़ की कितनी घटनाएं हुई, लूटपाट की, रेप की कितनी घटनाएं हुई, ये जानकारी भी हम आपसे चाहेंगे। प्रदीप भटनागर जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक रिएक्शन उनका ले लेते हैं। मैं लौटूंगी तुरंत सर आपके पास, एक बार प्रदीप जी का रिएक्शन ले लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी, आपको बंगाल दिखता है सर, उत्तर प्रदेश नहीं दिखता? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर क्या कुछ हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी कौन साझा करेगा? सब चंगा हो गया है क्या उत्तर प्रदेश में? हमें तो बंगाल भी दिखता है और हमें तो केरला भी दिखता है और हमें महाराष्ट्र भी दिखता है और हमें मध्य प्रदेश भी दिखता है और हमें दिल्ली भी दिखता है, और अगर केंद्र में बैठे हैं तो पूरा देश दिखता है। मगर ये व्याख्या जो अभी मैं मेरे सुन रहा था, मैं जो कर रहे थे और बड़ी अच्छी व्याख्या उत्तर प्रदेश के विषय में कर रहे थे, तो डाटा छोड़ के अगर प्रैक्टिकल अगर जनता से के बीच में अगर उनके विचार विमर्श लिया जाए, उनके सोच पे सोचा जाए कि क्या उत्तर प्रदेश को दिया और क्या मिला, उस पर बड़े में थोड़ा सा ज्यादा विस्तार होता है। क्योंकि जो पढ़े हुए डाटा पे जो बोल रहे हैं और पढ़े हुए को ना रहा, प्रैक्टिकल थोड़ा देख रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बंगाल की आप जैसे बात कर रहे थे तो बंगाल के बारे में बोलूँ, ये वही पश्चिम बंगाल है जिसमें राजनीति की रक्त भरी रंजिश देखी है और रक्त भरी राजनीति कैसी थी वो भी देखी है। और ये जो राजनीति रक्त भरी थी जो आज तक खत्म नहीं हो रही, ऐसा क्यों, उस पर क्यों नहीं विचार विमर्श होता? आज पश्चिम बंगाल क्यों सुर्खियों में नहीं आता और प्रदेशों की तरह जो विकसित प्रदेश होते जा रहे हैं उन सुर्खियों में नंबर वन पे या थर्ड पे फोर्थ पे पश्चिम बंगाल क्यों होता जा रहा है आज भी? ठीक है प्रदीप, तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से हम चर्चा का रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए। भटनागर जी, आवाज मिल रही है आपको? प्रदीप जी से संपर्क टूट गया है, तो आपको हम जानकारी दे दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में चार शब्द क्या कहे, पश्चिम बंगाल में राड़ छिड़ गई है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी दरअसल विधानसभा चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने उत्तर प्रदेश गई थी। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा यूपी में चुनाव के बाद कहीं अशांति नहीं हुई, जबकि बंगाल के मुकाबले यहां की आबादी दोगुनी है। वहीं योगी के इस बयान के बाद बंगाल में सियासी राड़ देखने को मिल रही है। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक सुवेंदु अधिकारी ने जहां इसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया, तो वहीं दूसरी ओर रूल टीएमसी के नेता और मंत्री फिरहाद हकीम ने योगी पर हमला बोलते हुए उन्हें यूपी का गब्बर सिंह बता दिया है। एक बार फिर से तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। प्रदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल। अब आप अपनी बात जारी रखिए सर। पश्चिम बंगाल के विषय में आज जो आपने चिंता रखी और बड़ी अच्छी बात है कि आपने आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को आज पश्चिम बंगाल की के ऊपर विचार विमर्श रखा आपने खुद ली। देखिए पश्चिम बंगाल की जो रंजिश रही और ममता जी भी उस घोड़े पर सवार होके रक्त भरी राजनीति को लेके जो आज फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने और वो देखा, और वो रक्त आज तक नहीं रुक रहा। देखिए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में कितने हजारों कार्यकर्ता टीएमसी के वैसे आए, उनका क्या हक करा इन्होंने सरकार में आके, देखिए और किस तरह पुलिस का दुरुपयोग करा कि उनके सर मुंडवा दिए गए, उनको घुटने टिकवा के उनको दोबारा टीएमसी में लिया गया
और देखिए किस तरह प्रेशर सांसदों पर बनाया जा रहा है कि उन्हें भाजपा छोड़ने में मजबूर हो रहे हैं और वो टीएमसी में चले गए। ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनको जबरदस्ती अपनी पार्टी में लेकर जाया जा रहा है? सर आपके यहाँ पर कोई आता है तो वो आपकी विचारधारा से प्रेरित तो होकर आ रहा है, ठीक है, और आपकी पार्टी से कोई जा रहा है तो मजबूरी में जा रहा है, धमकाकर उसे ले जाया जा रहा है, ये कौन सा लॉजिक हुआ? हाँ पल्लवी जी, यही तो लॉजिक है कि ऐसा क्यों, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्हें क्या हुआ? क्योंकि वो खुल के बोल नहीं पा रहे, उन्हें पश्चिम बंगाल में रहना है, पश्चिम बंगाल की राजनीति करनी है। क्या हमने आपने नहीं देखा मीडिया के माध्यम से किस तरह विधायकों के साथ हमला करा गया, कैसे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करी गई, कैसे बहन बेटियों को उठा लिया गया, गांव के गांव खाली करा दिए गए, आगजनी, हमने हिंसा सब कुछ देखी, और चुनाव के कम से कम एक डेढ़ दो महीने बाद देखी, हमने हजारों कार्यकर्ताओं की शहादत देखी, अपने खून बहता देखा है हमने, और मीडिया ने पूरा खुल के दिखाया है कि एक पश्चिम बंगाल एक ऐसा है जो राजनीति हो, चाहे चुनाव हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का या लोकसभा का या विधानसभा का या जिला पंचायत या पार्षद का, सब में खून बहना बहना है, बम चलने चलने हैं, क्योंकि वो बम की फैक्ट्री चलती है, और ममता जी असफल रही उस चीज को करने के लिए। आज ममता जी बता दे बैठ के वहां पे कोई नई चीज दी हो, और आज राज्यपाल से लड़ाई लड़ने के पल्लवी जी दो मिनट का वक्त है। पल्लवी जी, जिस तरीके से आज प्रदीप माथुर जी हमारे बोल रहे हैं कि भटनागर जी कि बंगाल में खून रक्त की होली होती है, खून दंगाइयां है, सर मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उनकी बात कम्प्लीट हो जाएगी, उसके बाद में आप ही का रुख करूंगी, एक साथ ना बोले दोनों। सर मुझे बोलने दीजिए, सर बीच में बोलिए, सर आपकी बारी आई, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में श्रीमान नहीं बोला, प्लीज सर प्लीज 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 प्लीज, कोई प्लान नहीं कर रहा पश्चिम बंगाल से, मुझे थोड़ा बता दीजिए, 28,000 गाँवों में से 5,000 हिंदू क्यों भाग गया? 28,000 गाँवों से मैं तो कह रहा 28,000 गाँव से 5,000 हिंदू पलायन क्यों कर गया? हिंदुओं का घर क्यों फूके गए? 24 परगना हिंदुओं से खाली क्यों हो गया? नंदीग्राम क्यों खाली हो गया? नंदीग्राम हिंसा के बारे में क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप नंदीग्राम के बारे में क्यों नहीं बोलते? आप बरेली में दुर्गा जी धाम कॉलोनी में, अरे आप उसको छोड़िए, आप बरेली में जाइए, मैं पश्चिम बंगाल की, मैं बरेली की बात नहीं कर रहा, मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ। मैं आज पश्चिम बंगाल के बारे में कौन सी बड़ी फैक्ट्री लगाई है, क्या विकास के पद पे चला गया पश्चिम बंगाल, बता दीजिए, पश्चिम बंगाल में कौन सा नया ब्रिज बना दिया, बता दीजिए मुझे, पूरी जानकारी होने के बावजूद आपके पे बताने के लिए कुछ नहीं है, आपके बताने के लिए कुछ नहीं है। ममता जी ने अभी गोवा में कैसी धूल चाटी है, क्योंकि बुरी तरह हार हुई है, अभी गोवा के अंदर चुनाव लड़ने गए थे वो भूल, और आप सर बीच में नहीं, सर आप सुन लो, सर बोल लो, आपकी बारी है, बोलूंगा श्रीमान क्या हो जाएगा, अपनी अपनी बातें रखने के लिए एक साथ चिल्लाने की जरूरत नहीं है। प्रदीप जी आप शांत हो जाइए, सुमित जी ठीक है, दोनों की आवाज डाउन करवानी पड़ेगी मुझे, दोनों की आवाज डाउन करवानी पड़ेगी मुझे, हम एक एक करके बात कर लेते हैं सर, आपकी बारी आए बलवाइए, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए। पीयूष पंत जी, सर ऐसा है कि बंगाल कोई कम नहीं है वहां की स्थितियां, बंगाल बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, आए दिन वहां पर जिंदा बम पाए जाते हैं और ना जाने किस तरीके के हथियार मिलते हैं, उसके बावजूद ये तमगा लेकर चलना कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ अच्छा है और हमने कानून व्यवस्था संभाल रखी है, तो ये सरासर बेईमानी है, और किसी एक पक्ष को दिखाना और दूसरे पक्ष को ना दिखाना ये भी कहीं से ठीक नहीं। हेलो पीयूष पंत जी, आवाज मिल रही है? हेलो पंत साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मिल बताइए सर, बारूद के ढेर पर बैठा है बंगाल? नहीं, बारूद की ढेर से तो नहीं बैठा है, ये नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ हिंसा का वहाँ पे जो है तांडव देखने को मिलता रहा है, गाय बगाय मिलता रहा है, लेकिन उसके लिए वहाँ का देखिए एक जो पॉलिटिकल कल्चर जो है वो सभी की तरह वो एक हिंसक कल्चर है, उसमें हुआ क्या है कि आप देखिए इसको समझिए, उसके लिए सिर्फ जो है एमसी जिम्मेदार नहीं है, बीजेपी भी जिम्मेदार है, क्योंकि क्या हुआ है कि वहाँ का जो काडर है, पूरा जो खास जो गाँव का काडर है, उसको तो जो है कि वो तमाम हर पार्टियां जो है जो लेती रही है, और उसमें ज्यादातर लोग ऐसे युवा हैं
जो जिनको नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, जो उनकी शिक्षा नहीं हो पाई है, उनका इस्तेमाल किया जाता है एक राजनीति में और छोटे छोटे अपने जो है जो उनको फायदे दिलाने के लिए जो है उनको। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, चर्चा की फिर से शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तीनों से रिक्वेस्ट है एक एक करके बात करेंगे। सुमित जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ सर। अब बात इतनी सी है सर, आप माने या ना माने, कानून व्यवस्था की स्थिति बंगाल में ठीक नहीं है। और मैं जो बात पीयूष जी से कह रही थी कि बारूद के ढेर पर बंगाल बैठा हुआ है, इस बात की तस्दीक करती है वो हर खबर, वो हर आंकड़ा जो ये बता रहा है कि हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिले से बम मिलने की घटनाएं सामने आ रही हैं, हथियार वहां पर पाए जा रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक है और कानून व्यवस्था ममता सरकार में एकदम सही है? देखिए पल्लवी जी, मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं, जिस तरीके से 2021 में चुनाव जो हुआ था, 21 का हमारा जो चुनाव हुआ है, उसके बाद से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता अपनी हार पचा नहीं पा रही है, तो किसी ना किसी रूप में बंगाल सरकार को, ममता बनर्जी को वो बदनाम करने में लगे हुए हैं। इनके मंसूबे आगे भी सही नहीं होंगे, वहां की जनता इन्हें समझ चुकी है और आज देश की जनता इन्हें समझ रही है। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर एक प्रोपेगेंडा फैला रखा है, केवल मंदिर मस्जिद आज बात नहीं करता है, हर जगह ये मंदिर मस्जिद की बातें करके इनके जो अपने घोटाले हैं, जो झूठे वादे हैं, वो छुपाना चाहते हैं। एक बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, मैं वो बता दूं कि अपनी इनके मैं सत्य बात बोलूंगा, कोई झूठ नहीं बात बोलूंगा। बरेली के अंदर आप पता कर लीजिए, बरेली में दुर्गा जी धाम कॉलोनी है, वहां पे 300 से 500 लोग कि जो लोग रहते हैं वो पलायन करने पे मजबूर हो गए हैं। योगी गवर्नमेंट में उनकी सुनी नहीं जा रही है, प्रशासन ऊपर से उन्हें दबाव बना रहा है। ये कभी कह रहा याद नहीं आया आपको? अरे याद नहीं आया आपको? ठीक है, भटनागर जी एक एक करके बात कर लेते हैं सर। आज बरेली बड़ा बार बार याद आ रहा है आपको? भटनागर जी, उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगह चल रही है, और ये लोग पलायन करके कहाँ जा रहे हैं? सुमित जी, सुमित बहरोत्रा जी, प्रदीप जी जवाब लेने दीजिए सर, एक एक करके बात करेंगे, आप लोग बात ही नहीं समझ रहे हैं। आप दोनों एक साथ बोलेंगे, दोनों की आवाज नहीं आएगी। मुझे सवाल जवाब कर ले तो दीजिए सर, फिर मैं लौट रही हूँ आपके पास। सुमित जी, ये बरेली का जो आप आंकड़ा दे रहे हैं, जो खबर बता रहे हैं, ये लोग पलायन करके कहाँ जा रहे हैं? पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल क्या, यहाँ जो उत्तर प्रदेश से छोड़ देंगे, क्या करेंगे? एक जगह आपके पास जानकारी होगी ना सर, आपने ये वाला आंकड़ा बताया तो ये भी तो पता होगा कि पलायन करके कहाँ गए इतने लोग। 500 लोगों के आसपास की गिनती छोटी नहीं होती है। मैं देखिए कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको मैं प्रमाण दे सकता हूँ, अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, तो जो चैनलों पे न्यूज चल रही है, जी हिंदुस्तान, जी सब पे सारे चैनलों पे चल रही है, वो उठा के दे। मैं कोई गलत आंकड़ा आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आज भी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ का डंका बज रहा है, वहां से लोग पलायन क्यों करने जा रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर चार जगह से खबरें चल रही हैं, कानपुर, बरेली और अन्य दो जगह पे और पलायन का मुद्दा आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई? योगी जी का इतना ही डंका बज रहा है, क्यों आ रहा है? और ये बात करते हैं बंगाल की, हर समय इन्हें बंगाल फूबिया हो गया, बंगाल फूबिया। अरे भाई, आप बिजनेस के आंकड़ों से देखिए तो बिजनेस आंकड़ों में अभी वहां पे सभी लोगों ने इन्वेस्ट करा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कितना इन्वेस्ट करा, किसने करा इन्वेस्ट? कोई नहीं कर रहा है। आप बात करते हैं विकास की और यहाँ पे आप बात करते हैं दूसरी, ये दोगलापन करते हैं और कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। मंदिर मस्जिद आज तक कितनी नौकरियां दी थी इन्होंने, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करा था, आज तक दे दी नहीं थी। तो ये दोगलापन बंद करें, जनता को बंगाल में कितनी नौकरी दी थी ममता जी ने? बंगाल में कितनी नौकरी दी थी, थोड़ा ये बता दीजिए, थोड़ा आंकड़ा आपके पास हो तो सही। भटनागर जी, आप आज दंकल करता कहां लाया खड़ा कर दिया आपने, ये आज पश्चिम बंगाल अपने ऊपर रो रहा है। सुनिए, अगर इतना ही होता ना तो उत्तर प्रदेश में लोग आकर के इन्वेस्ट करते, इन्वेस्ट नहीं करा है। बंगाल को उन्होंने चुना, बंगाल बढ़िया जगह है, इसलिए उन्होंने सारे ही इन्वेस्टरों ने वहां पे बंगाल मीट करी थी, अभी आपको थोड़े दिन पहले मालूम होगा, और कई सौ करोड़ का उन्होंने वादा करा है हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। क्यों करेंगे? उत्तर प्रदेश में क्या मतलब हिंदू मुस्लिम आपको पता कितना टाइम हो गया कराया था, कितना टाइम हो गया पता? सुन लीजिए, और एक भी नहीं आया खबर है,
6,000 करोड़ का निवेश होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, बता दूं आपको। 1200 करोड़ आज उत्तर प्रदेश हो नहीं रहा, आप पश्चिम बंगाल बुरा नाम माने, आपका पश्चिम बंगाल का दूसरी बात चल रही है। आपने नैनो को भगाने के बाद आपने कौन सी चलाया पता नहीं, नैनो को भगाने के बाद आपने क्या नई चीज लगाई हो सिंदूर के? आज भी सिंदूर के किसान आपको याद कर रहे हैं, आज क्या करो, आज भी सिंदूर के किसान याद कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप, गुजरात कहाँ जा रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश और बंगाल के बीच में अब अन्य राज्यों को मतलाइए सर, जो मुद्दे को भटकाने का प्रयास दोनों लोग कर रहे हैं। एक एक आप लोगों से बात होती नहीं है, मर्यादा आप बना के रखना नहीं चाहते बहस की, और उसके बाद आपको 10 राज्य और चाहिए इस चर्चा में। पहले अपने अपने राज्य के बारे में तो बात कर ले दोनों, अलग अलग तरीके की बातें यहाँ पर फैलाई जा रही है। कहाँ गुजरात, कहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, सबको आपको इसी चर्चा में लेकर आना है। अभी बंगाल और उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं हम, उसी के बारे में रह लेते हैं थोड़ी देर। पल्लवी जी, प्रदीप जी, कुछ मुझे 2 मिनट सुने आप, भाई साहब जो भी है अपना प्रवक्ता जो है टीएमसी के, प्लीज 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए, फिर आपकी बारी है। मैं तो आप हमारे पीछे क्यों बोल रहे हैं, मैं पल्लवी जी मेरे क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चों की तरह लड़ते रहिए आप हमारे बीच में, उनके बीच में एक एक करके बात करेंगे सर। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? प्रदीप जी को बोलने दीजिए, उसके बाद में सुमित जी आपके पास आ रही हूँ, और दोनों एक दूसरे के बीच में ना बोले। ये आप जो बीच में टोका टोकी कर रहे हैं सर, ये आपके ही सारे संस्कार और दिखा रहा है कि आप किस तरीके के इंसान है, सुनना पसंद नहीं करते हैं। सुनिए तो सही एक दूसरे की बात। जी, मैं थोड़ा सा, हाँ मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, बस मैं बहुत थोड़े टाइम में खत्म करूंगा अपने बहुत वक्त में जो भी है। देखिए विषय अगर पश्चिम बंगाल की, अगर पहले तो एक रास्ता जाता था दिल्ली से पश्चिम बंगाल की ओर, और पश्चिम बंगाल सबसे पहले एक प्रदेश एनजीओ था जिसमें लोग जो है इन्वेस्ट करने में और रहने के लिए अपने को बड़ा सिक्योर मानते थे, और आज इतनी खराब हो गई है पश्चिम बंगाल की, आज वो पश्चिम बंगाल में रहना पसंद नहीं करते। और आज पश्चिम बंगाल में जो ममता जी ने अपने वोट बैंक जिन्हें बसाया है वो भी पता है अच्छी तरह से तरीके से, और आज पश्चिम बंगाल की राजनीति किस मोड़ पे खड़ी है वो भी अच्छी तरह पता है कि ममता जी किस तरह चुनाव जीती है अध्यक्ष बनी रंजित से, वो भी पता है। आप उत्तर प्रदेश की बारी कर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 20 वर्ष बाद सरकार आई है, और अभी 5 वर्ष हुए केवल 5 वर्ष हुए, और 5 वर्ष में आप उत्तर प्रदेश के रोड, छोटे हाईवे, जिला पंचायत जितने हैं सब आप हाईवे देख सकते हैं। आप जो है लाइटों का जो रोड का जो व्यक्तिकरण कराए उसको देख सकते हैं। आज डेवलपिंग क्या है उत्तर प्रदेश की, बहुत छोटे टाइम में अभी समय मिलेगा हमारे करने का, और उत्तर प्रदेश को आगे लेके जाएंगे। और लॉ एंड ऑर्डर को ले लीजिए, पुलिस खिलौना नहीं है नेताओं की पश्चिम बंगाल की तरह, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ममता जी बड़े उससे अधिकार से आई थी कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश जी के साथ उन्हें सुनेगी, मगर अफसोस लखनऊ में किस तरह भगाया और रोड पर रोक के बेइज्जती करके भगाया ममता जी को, क्योंकि ममता जी ने पश्चिम बंगाल में जो रक्त भरी रंजिश करी और जिसके विषय में आज तक उन्होंने बैठ के नहीं बोला, ये बड़ी दुखद की बात है। भटनागर जी, आप हिंसा के बारे में बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहां की महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ कौन से सम्मान पूर्वक चीजें हो रही हैं सर? आंकड़े तो क्या कुछ बताते हैं आप भी जानते हैं, और वो आंकड़े ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट कंपनी कर रही है, ये आंकड़े भी सरकारी हैं, केंद्र में आप बैठे हुए हैं, और आंकड़ों के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश रेप के मामले में। तो अगर आपको बंगाल की महिलाओं की चिंता है तो थोड़ी उत्तर प्रदेश की महिलाओं की भी चिंता कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, महिला चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे पश्चिम बंगाल की हो, या दिल्ली की हो, चाहे राजस्थान की हो, महिला है, मेरी बहन बेटियां लगती है मेरे देश के नाते, मैं देश का नागरिक हूँ, मगर मुझे सबकी चिंता करनी पड़ेगी। अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, चुनाव के बाद आपने देखा नहीं किस तरीके से टीएमसी के लोग बहन बेटियों को उठा के ले जाते थे और सुबह छोड़ जाते थे, पुलिस स्टेटमेंट दिखाई गई है टीवी पे, उसके बारे में नकार देंगे आप? चुनाव जीतने का इस तरह करा जाएगा दूसरे कार्यकर्ता होता है किसी पार्टी का होता है, उसकी भावना जुड़ी होती है, मगर ये नहीं आप उसके घर को फूंक दें, उसकी बहन बेटी को उठा के रात को ले जाएं, उठा के ले जाएं और सुबह छोड़ जाएं, ये खुला सबने देखा है पूरी मीडिया ने, और आज तक ममता जी ने किसी को अरेस्ट नहीं किया, किसी पे एफआईआर दर्ज नहीं, वो तो सीबीआई गई, हाई कोर्ट ने अपनी लगाम कसी, तब जाके ममता जी ने वो भी गिने चुने 155 समिति पे एफआईआर करी। ये ममता जी का न्याय है, जो खुद भतीजा
और बुआ खुद मनी लॉन्ड्रिंग में और आय संपत्ति में फंसी है, वो क्या न्याय कर क्या सरकार चलाएंगी, क्या सरकार किस लिए बनाई गई? उन्होंने केवल उनको देखा, विशेष लोगों को जिनको उन्होंने वजीफे दिए, उनके दख्ता बांध दिया महीने का, बड़ा चीजों का क्यों इंडियन कार्ड आज तक जो है हम भूल गए नैनो का, आज तक वो 9000 एकड़ जमीन ऐसी पड़ी है, आज किसान बेचारा वही मोटा गेहूं खा रहा है भीख मांग के 200 किलो का, उसके बारे में आज तक कभी जवाब नहीं सवाल दिया गया। ले लेते हैं ना अभी सुमित मेहरोत्रा जी से जवाब ले लेते हैं इन तमाम सवालों का। सुमित जी आ रही हूँ, चलिए प्रदीप जी, प्रदीप जी आप सुन लीजिए, सुमित मेहरोत्रा जी का जवाब लीजिए, एक एक करके बात करिए। सुमित जी पल्लवी देखिए, गेहूं की बात आ गई, आज वही उत्तर प्रदेश है जहां इन लोगों ने पहले दिया 12 रुपए 7 रुपए किलो के हिसाब से इन्होंने जो राशन बांटा है, आज इनकी सरकार ने आप चिल्लाजिए आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हैं। देखिए पल्लवी जी ने आज पश्चिम बंगाल की बिगड़ रखी है, अगर पश्चिम बंगाल के बारे में अगर कोई कुछ गलत कह रहा हो तो सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए आप अगर बच्चों की तरह आप मुंह से मुंह लगा के अगर बहस करेंगे ऐसे नहीं चलेगा ना, प्लीज मैं अगर आपसे कुछ कह रहा हूँ सर प्लीज कोई थैंक यू, अरे आपका जवाब नहीं ना बोलने का, मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए मेरे साथ, सुन तो अरे सर मेरे सुन तो लीजिए सर मेरे एक मिनट सुन लीजिए, बस एक सेकंड सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ अरे सर एक मिनट तो दीजिए सर एक सेकंड प्लीज सर प्लीज सर 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 मैं ये कह रहा हूँ सर उनका जवाब लेंगे सर, आप और आप दोनों एक साथ मत बोलिए, मुझे मजबूरी में आप दोनों की आवाज डाउन करवानी पड़ेगी, आप समय वैसे ही कम है और दोनों एक साथ बोले जाएंगे समय घट रहा है, किसी की बात सुनाई नहीं दे रही है। सुमित जी मैं लौटूंगी आपके पास, और प्रदीप जी आप थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज, आप अपनी बात रख चुके हैं, सुमित जी का जवाब मुझे लेना है, अब आप दोनों शांत हो जाइए। पीयूष पंत जी, जो स्थितियां अभी बनी हुई हैं, दोनों के राज्य ऐसे हैं जहां पर कानून व्यवस्था पर सवाल हमेशा खड़े होते रहे हैं, और बात पश्चिम बंगाल की जाए तो ऐसा लगता है कि उसका तो स्वभाव ही हिंसक है। पीयूष जी आवाज मिल रही है आपको? ये मिल रही है। सर मेरा सवाल आपसे यह है कि पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश, दोनों ही राज्यों की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते आए हैं, लेकिन बात पश्चिम बंगाल की करें और पूरा इतिहास देख लें तो लगता है कि पश्चिम बंगाल का जो स्वभाव है वो थोड़ा हिंसक ही है। जी हाँ पल्लवी जी आपने बात सही कही, देखिए बंगाल को हमको समझना पड़ेगा, बंगाल में चूंकि वहाँ जो है कि पूरा एक उसने हिंसक दौर देखा है, और बंगाल में जिस तरह से पार्टीशन के समय भी हमने देखा था, और उसके बाद भी आप देखिए लगातार जो वहाँ पे पार्टी सत्ता में होती है उसकी तरफ से रेसिस्टेंस होता है लगातार, हमने देखा था कि जब शुरुआत में कांग्रेस वहाँ पे सत्ता में थी उसको उखाड़ने के लिए लेफ्ट पार्टीज आई, CPM आई वहाँ पे, तो CPM के द्वारा भी काफी हिंसा की जाती थी, फिर कांग्रेस के द्वारा उसको रिप्रेस करने के लिए हिंसा की जाती थी, इसी तरह हमने बाद में देखा जब CPM आ गई सत्ता में तो CPM के वर्कर्स और जो है कि फिर जो है कि तृणमूल कांग्रेस वहां पे अपनी प्रेजेंस जो है CPM को हटाने के लिए कोशिश करने लगी, तो वो उनके बीच में आज संघर्ष शुरू हो गया। अब हम देख रहे हैं TMC सत्ता में आ गई और TMC को सत्ता में काबिज बने रहना है और भाजपा उसको सत्ता से उखाड़ना चाहती है, तो फिर वही संघर्ष जो है हिंसक हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए वही लोग वही हैं, कार्यकर्ता वही हैं, पहले जो कांग्रेस के थे वो CPM में गए, CPM के जो है वो जो है TMC में आए, TMC से जो है BJP ने लिए अपने में वो खींच लिया, तो वो आपस में वहाँ के जो वहाँ का जो एक एक राजनीति है वो एक हिंसक राजनीति होती है हमेशा, हमने ये देखा है वहाँ पे बंगाल में, तो उसी का परिणाम है कि हमें वहाँ पे लगातार चाहे चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी जो है लगातार जो है हिंसक घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन इसमें कंट्रोल तभी हो सकता है जबकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है कहीं ना कहीं जो है उस पे नियंत्रण करें और अपने इच्छा शक्ति की बात है ना पीयूष जी, इच्छा शक्ति की बात है, राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो इन सारी चीजों पर लगाम लग जाएगी निश्चित रूप से, क्योंकि सिर्फ सत्ता में ही आना आपका ध्येय नहीं होना चाहिए, आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह की लोगों को संस्कार दे रहे हैं, और क्योंकि देखिए जान माल का नुकसान होता है,
गरीब आदमी ही इसमें का नुकसान होता है, गरीब आदमी की ही जान जाती है। आप देखिए जो वर्कर होता है गांव गांव का, खासकर ग्रामीण जो वर्कर होता है वो गरीब होता है बेचारा, वो आपके लिए जो है तन मन धन से लगा रहता है और उसको मिलता क्या है बदले में, जो है कि उसकी उसकी मौत हो जाती है तरीके से। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को ही जो है इस जो है कल्चर को मुझे लगता है बंगाल में बदलना होगा। और ये अब कौन करेगा, इसकी शुरुआत किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को करनी होगी, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो गया, पानी सर से ऊपर निकल रहा है जिस तरह से देखिए लगातार, और जिस तरह से वहाँ पे गवर्नर का इंस्टीट्यूशन भी जो है वो पॉलिटिसाइज होता चला जा रहा है लगातार, उससे भी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो ये सत्ता में बने रहना और सत्ता से बेदखल करने की कोशिश करना, इन दोनों के बीच का जो राजनीतिक संघर्ष है उसमें जो है कि हिंसा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है बंगाल में, उसी के परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं कि लगातार जो है कि इस तरह की घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं, चाहे चुनाव हो या चुनाव न हो, चुनाव के बाद भी इस तरह घटनाएं होती हैं ताकि सत्ता आपके हाथ से फिसलने न जाए। और जो विपक्षी दल है वो हिंसा का इस्तेमाल करके आपको बेदखल करने की कोशिश करता है। तो ये बंगाल की खासियत है, इस खासियत को दूर करना होगा और मुझे लगता है सभी राजनीतिक दलों को इसमें एक जो है संकल्प लेना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो नुकसान किसका हो रहा है, वो बंगाल का नुकसान हो रहा है, बंगाल की राजनीति का नुकसान, बंगाल के लोगों का नुकसान हो रहा है। और चुनाव के बाद जो हिंसा हुई सर, क्या जो अभी सीबीआई की खैर कार्रवाई चल रही है इस मामले में, लेकिन जो बातें लगातार सामने आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया है, उनके घरों पर आगजनी की गई, उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, इन सब बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि सीबीआई के द्वारा अब तक 224 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कई मामले दर्ज हो चुके हैं इन सारी चीजों में। पीयूष जी का जवाब ले लेते हैं। पंत साहब, पीयूष जी आवाज मिल रही है आपको? जी पल्लवी जी। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि चुनाव के बाद में जो लगातार वहां हिंसा देखने को मिली, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स हुई है वहां पर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया, उनके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, ये चीजें ठीक हैं और आप इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ वाकई में वहां पर ऐसा सब कुछ हुआ था, क्योंकि ममता सरकार ने कभी इस बात पर सहमति नहीं जताई? नहीं देखिए, निश्चित रूप से ये जो है कि बहुत अमानवीय कृत्य है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इस पे लगाम लगनी चाहिए। इसीलिए जो कि देखिए कि केंद्र सरकार की तरफ से भी जो है कि एक सीबीआई इंक्वायरी की वहां पे चल रही है, इसकी जांच हो रही है और कोर्ट को भी इंटरव्यू करना पड़ा इस मामले में। तो ये निश्चित रूप से जिस तरह का ट्रीटमेंट, और देखिए फिर वही बात होती है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसके द्वारा ज्यादा जो है कि हिंसा की जाती है, उसके द्वारा ज्यादा जो है कि अत्याचार किया जाता है, और यही हम बंगाल में देख रहे हैं। बंगाल में हम यही देख रहे हैं कि टीएमसी का काडर किस तरह से हिंसक हो जाता है वो, और यहाँ तक कि जो है कि सरकार भी जो है वो भी जो इस तरह के वक्तव्य जारी करती है, और इसके लिए सरकार निश्चित रूप से जिम्मेदार है। अगर इस तरह घटनाएं घटती हैं, अगर वो कानून व्यवस्था को अपने तरह से नियंत्रण में नहीं ले कर सकती है, तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार ही है और सरकार को कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। और तो केंद्र कोर्ट ने भी इस सरकार पे जो है कि इस बात की बात करी है और सरकार से भी एक्सप्लेनेशन मांगा है कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, और इंक्वायरी की बात करी है, वहां इंक्वायरी की भी ऑर्डर दिया है। तो निश्चित रूप से देखिए निंदनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं भी घटना हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, कहीं भी जो है, और खासकर महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं, महिलाओं को शिकार बनाया जाता है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, ये बहुत निंदनीय है, अमानवीय है और इस पे रोक लगनी चाहिए लगातार। सुमित जी बताइए, अब आप अपनी बात रख लीजिए। पल्लवी जैसे एक बार बताइए, मैं एक बार ये भटनागर जी मेरे बीच में बोलते हैं, क्या ये क्यों राइट है ये, हम अगर कोशिश सही बोल रहे थे क्यों ये बीच में काटते हैं बात, नहीं काटे। देखिए आज चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे अगर ये बात करते हैं बंगाल की, बंगाल में बिजनेस मीट हुई, अभी सबको मालूम है कितने हजार करोड़ रुपए का वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और विकास विकास होगा। और ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास का पिंडोरा एक ढिंडोरा पीटते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में हम लोग विकास कर रहे हैं, विकास नहीं है। दरअसल में अगर इसको आप देखें तो ये लोग केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ एक लेटेस्ट खबर है, सब जगह सारे चैनलों पर चल रही है, बरेली में 300 से 500 लोग घरों से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। अभी इस बात पे ये हंसेंगे भटनागर जी, अगर इनको लगता है, मुझे भी हंसी आ रही है सुमित जी, मैं आपको टोकना नहीं चाह रही थी लेकिन आप अधूरी जानकारी लेकर बैठे हैं। सर 200 लोगों ने अपने घर के बाहर पलायन का पोस्टर चिपका दिया है,
उसकी वजह ये है कि उस एरिया में एक गैर हिंदू युवक मकान खरीदना चाहता है और ये लोग नहीं चाहते कि कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति वहां आए, और अभी वो आमरण अनशन पर बैठे हुए, किसी ने पलायन नहीं किया है, ये ऐसी जानकारी है सर? हमारे दर्शक भी अभी भ्रमित होंगे। फिर सुन लीजिए, मैं आपको वही बता दूं, ठीक है? इसमें क्या है, सारे नेताओं को, इनके सारे प्रशासन को, सबको चीजें मालूम है, पर इसमें मददता नहीं कर रहे हैं अभी तक। क्यों? आज तीन दिन, दो से तीन दिन होने जा रहे हैं। क्यों भाई इतना बड़ा, अगर आप लोगों को इश्यू या आगे बढ़ाना है या कम करना है, सारे लोग कह रहे हैं, सारे हिंदू परिवार के लोग कह रहे हैं कि भैया आइए, इसमें हम लोगों ने अपने तरफ से सारी कोशिश कर ली है, आप लोग इसे रोकिए। देखिए, जो गैर हिंदू है वो है दरगाह आला हजरत के परिवार से लोग हैं। मैं इसमें फिर कहूंगा, दरगाह आला परिवार के लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनकी इस गवर्नमेंट से साठगांठ है, इसलिए वो लोग हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं करना, करनी चाहिए भाई। जो आज अगर दंगल ना भड़के, हम ये कहते हैं बरेली के अंदर दंगल ना भड़के, ना खराब हो माहौल, पर ये लोग चाहते हैं हिंदू मुस्लिम की राइट हो भारतीय जनता पार्टी की। और जो बात करते रहते हैं हर जगह बंगाल को लेकर के, बंगाल में बिजनेस मीट होती है तो ये कुछ नहीं कहते हैं, रेप के मामले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होते हैं तो ये कुछ नहीं कहते हैं। आज योगी जी केवल सबके घरों पे बुलडोजर चलाने का काम करते हैं, उन्हें गिराने का काम करते हैं, ये खड़े होकर देखते रहते हैं, अपने नेताओं को बचाते रहते हैं। लखनऊ के अंदर इनके नेता का जब बुलडोजर गिराने पहुंची थी टीम, तो इनके नेताओं ने बचा दिया, तो उसे बैक कर दिया था। कोई आम जनता होती उसके यहाँ बुलडोजर चला दिया था? ऐसा क्यों, पक्षपात क्यों होता है? मुझे आप बताइए, बुलडोजर से सभी के लिए चलना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, किसी का भी हो, सभी के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, पर ये लोग बचाते हैं अपने आप के नेताओं को। प्रदीप भटनागर जी, पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है आपकी सरकार? देखिए, मैंने अभी पश्चिम बंगाल के बारे में बहुत सारे कमेंट्स करे, सिंदूर के बारे में बोला, मैंने 24 परगना के बारे में बोला, 28,000 से 5,000 गांव हिंदू पलायन करा दिया या मुसलमान बना दिया, आप उस विषय में नहीं बोल रहे, आप कभी हिंदुओं के विषय में बोलते नहीं है कभी आप, क्योंकि आपको मुस्लिम वोट चाहिए। हम तो बिल्कुल भी बोलते हैं हिंदुओं के विषय में, बोलते और बोलेंगे, और हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमारा बिल्कुल राइट बनता है, और हम बोलेंगे। जब आपको वोट चाहिए होते तो 125 करोड़ वासियों की बातें करते हो, फिर जब आप बात करते केवल हिंदुओं की, ये आपकी क्यों वो चलती है लोकली राजनीति? 125 करोड़ में सभी आते हैं ना, और फिर आप केवल एक हिंदू, आज हिंदू ही का शोषण हो रहा है इस गवर्नमेंट पे, हिंदू का ही शोषण हो रहा है इस गवर्नमेंट के अंदर, उठा के देख लिए हर जगह। सुंदर जी, आप बीच में बोले ना, मैं आपको पूरा सुना, मैंने आपको चुपचाप सुना, आप शोषण कर रहे हैं हिंदुओं का, इसी गवर्नमेंट में हिंदुओं का शोषण हो रहा है, हिंदुओं की गवर्नमेंट कहते हैं हिंदुओं का शोषण हो रहा है। अरे साहब सुन तो लीजिए ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप हिंदू शोषण कर रहे हैं। कभी ममता जी ने पूछी थी 28,000 से 5,000 गाँव में हिंदू को भगा दिया गया? हमारी गवर्नमेंट का भी नहीं काम पे, हम एक पक्ष की बात करते हैं, सारे पक्षों की बात करते हैं। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला, सुमित जी सुन लीजिए, सुमित मल्होत्रा जी सुन लीजिए, फिर पीयूष जी का आखिरी कमेंट मिले। अभी मैं बता दूं, अभी बरेली के बारे में अभी कमेंट 3-4 बार बोले और आपने भी बड़ा अच्छा डिफाइन करा है। अरे सुमित जी सुन तो लीजिए, अच्छी बात है, आपको बरेली के बारी जनता के बारे में चिंता हुई, आप एक राजनीतिक दल है और आपका मूलभूत अधिकार है प्रजातंत्र में बोलने का, आप बिल्कुल अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई कि आपको कम से कम बरेली में तो हिंदू पलायन के चक्कर में आपको खुशी, तो आप बोले तो सही, ये तो कभी पश्चिम बंगाल हो या टीएमसी कभी बोलते नहीं है, तो सभी मुस्लिमों को भटनागर जी, आप लोग केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, फिर आप कहते हैं 125 करोड़ तो ऐसी वासियों की, तो ये आपने कभी करी है? देखिए, हम सभी सारे धर्म की बात करते हैं, हम सारे सर्वधर्म की बात करते हैं, सर्वधर्म की बात करते हैं। सर मैं बहस करने नहीं आया हूँ, सर मैं डिबेट करने आया हूँ, प्लीज मैं डिबेट करने आया हूँ, बहस करने नहीं आया हूँ। आप पकड़ी बैठिए, मुझे डिबेट करिए, आप बहस करिए, अभी फिलहाल टीवी पे डिबेट कर रहे हैं हम आपसे, और हमारा अधिकार है बोलने का जनता के विषय को लेकर, और आपने कुछ बोला तो प्लीज सुने आप, फिर डिबेट करना आपसे। आप पश्चिम बंगाल के विषय में कोई आप बोलना नहीं चाहते, पश्चिम बंगाल में आप डिबेट नहीं करना चाहते, आप उत्तर प्रदेश चले जाते, गुजरात चले जाते, मैंने 10 चीजें या 20 चीजें या 1 चीज मैंने पश्चिम बंगाल के बारे में रखी, आपने कोई एक पूर्ण रूप से जवाब नहीं दिया। अच्छी बात है, आपका जवाब बनता भी नहीं है। सीबीआई, मैंने पूछा सीबीआई ने क्यों कहा, सीबीआई को क्यों आगे आना पड़ा है, पहले हाईकोर्ट ने क्यों बोला एफआईआर करने के लिए, उन बहन बेटियों भी आपने आज तक नहीं बोला, बिल्कुल गलत काम करा हमारे कार्यकर्ताओं ने, ऐसा नहीं करना चाहिए चुनाव के बाद, और आज तक हिंसा कर ली, आपने बिल्कुल नहीं बोला। और अच्छी बात है, आपको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके समुदाय को कुछ करना है। जो आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा है देखिए, हिंदू पक्ष का क्या है कि हिंदू पक्ष को इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि हिंदू पक्ष को बोलने के लिए कोई पार्टी आगे नहीं आती है,
आप हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे ना, मैं थोड़ा आपको बता दूं, अगर लव जिहाद का मामला था तो कोई सरकार नहीं बोलती, मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी को बोलना पड़ता है। 100 करोड़ हिंदुओं का वास्ता है, आज सबको याद आ रहा है हिंदुओं के बारे में। और हम जो आप कहते हैं ना, हम 130, हाँ बिल्कुल, हम 135 करोड़ जनता है और वो भारत की जनता है 135 करोड़, जिसमें हर समुदाय का हर धर्म का आदमी आता है। और हम उसके विकास की बात करते हैं, जैसे प्रथम पंक्ति बनाने की बात करते हैं, मगर जब एक जाति विशेष की या एक धर्म विशेष की बात करते हैं तो आप लोग दूर भाग जाते हैं। कहीं किसी हिंदू की लड़की अगर मुसलमान अगर जिहाद के हिसाब से ले जाता है लव जिहाद को, तो आप कभी नहीं बोलते। ये मजबूरी है आप लोगों की, क्योंकि आपको वोट बैंक दिखता है, वो हमें वोट बैंक नहीं दिखता। हमें पता है हमारे तो वैसे मुस्लिम वोट बैंक नहीं है, हम कितना भी जाने कितना मना लें, क्योंकि आप लोगों ने छवि ऐसी बना रखी है हम लोगों की, क्योंकि हम स्पष्ट बोलते हैं। पल्लवी जी, आज देश में हमने पश्चिम बंगाल के बारे में बहुत डिबेट करी और मैंने पहला शब्द बोला कि पश्चिम बंगाल में ही क्यों रक्त बलि रंजिश, तो मेरे साथ जो साथी बैठे हैं उन्होंने एक बार बोला नहीं, आज उत्तर प्रदेश 5 राज्यों में चुनाव हुआ, आप बताइए पंजाब के अंदर चुनाव हार गई कांग्रेस बहुत बुरी, तो क्या कांग्रेस ने आग लगा दी पंजाब में, क्या कार्यकर्ताओं को मारा आम आदमी पार्टी के, या आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जेल में डाल दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कितने शांति चुनाव हुए बताइए, कौन इंसान मर गया। नहीं, ये बात तो देखिए पीयूष जी भी कह ही रहे हैं ना प्रदीप जी, कि पंजाब का स्वभाव हिंसक ही रहा है, जो वहां की राजनीति रही है वो हिंसक रही है, और ये पूरी तरीके से राजनीतिक इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है सर, कि आप किस तरीके से वहां के हालातों को सुधारे, और अभी राजनीतिक इच्छा शक्ति वैसी नहीं है। मैं पल्लवी जी ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का जो बहुत लंबा लॉ एंड ऑर्डर जो खराब था उसको ठीक करने में लगे हैं, कितने बदमाशों को पकड़ा जा रहा है, गोली चलाई जा रही है, कितने एनकाउंटर हो रहे हैं, इसलिए एक लॉ एंड ऑर्डर काम है। तो आपको दिन में कभी ठंड से निकल आए कि घर से निकले तो उसे दिक्कत ना हो, क्योंकि बदमाश आज चरम सीमा पे गुंडागर्दी थी उत्तर प्रदेश में, उसको कंट्रोल करने के लिए आज जो काम किए जा रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि पूरे देश में ही कानून व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चलती रहे, और कानून व्यवस्था का ही राज हो, इस तरह के गुंडे बदमाशों का या हिंसा की कहीं पर भी कोई घटनाएं सामने ना आए, यही उम्मीद हम करते हैं। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना समय हमें दिया, और इसी के साथ मुद्दा में भी फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।